तो हेलो मेरे प्यार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल KGF जंक्शन। तो दोस्तों, आज हम ट्रेन के पार्ट थर्ड में आपका स्वागत करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आज की क्लास स्टार्ट करूं, मैं आपको एक इंसान से इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। आप यूज रहा, ये देखिए हमारा छोटा सा कैमरा मैन है, आज इसका हैप्पी बर्थडे है। तो मेरी तरफ से इसे हैप्पी बर्थडे, और आप भी इसे अपने बर्थडे की बधाई जरूर दीजिए, समझ गए। चलिए बेटा, खूब तरक्की करो। वीडियो बनने के पहले दिन से ये लड़का बिल्कुल मेरे साथ में है, तो आज का बर्थडे है, तो आप भी इसे बहुत बहुत बधाइयाँ दीजिए। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले, अपनी लास्ट क्लास में हमने 19 मीन्स ट्रेन चैप्टर के एग्जाम्पल्स और 19A के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म कर लेते हैं। आज हम 19B के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कुछ बच्चों को जो स्टार्टिंग के डाउट्स थे वो, और ऑलमोस्ट 19B के हाफ चैप्टर को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने बेसिक टाइप के सारे ही क्वेश्चन आपको सिखाए थे, और मैंने क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए थे, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के डाउट्स जो आए हैं स्टार्टिंग के सवालों से, उनको मैं कराऊंगा। सवाल हालांकि वो भी सिंपल है, लेकिन वही है ना कि बात को हल्का सा बढ़ा देते हैं क्वेश्चन वाले, तो बच्चे से फंस जाते हैं। आखिरकार बच्चे तो बेसिक से करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, इसी टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में हालांकि कुछ है नहीं, लेकिन ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। अब देखिए बच्चों, ये जो गाड़ी थी, ये गाड़ी थी 300 मीटर लंबी, ठीक है, और कह रहा है ये एक 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, एक 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट 12 सेकंड में, कितने टाइम है बच्चों, 1 मिनट 12 सेकंड में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल मतलब क्या बताना बच्चों यहाँ पे, रेलगाड़ी की स्पीड, और स्पीड का होना जानते हो डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब बच्चे यहां पे इसलिए फंस गए क्योंकि यहां पे टाइम और सेकंड, मिनट और सेकंड दोनों को मिला के दे रखा था इसीलिए। तो बच्चे इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आपको सिखा रखा है जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है, चाहे किसी भी लेटी हुई चीज को, तो दोनों की लंबाई जुड़ जाएंगी। तो 900 और 300 टोटल डिस्टेंस हो गया 1200 मीटर। उसके बाद जब ये मीटर में है तो इसे टाइम को सेकंड में लेंगे। देखिए 1 मिनट 12 सेकंड, भाई तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 सेकंड ये और 12 सेकंड ये, टोटल कितना हो गया 72 सेकंड, इसका मतलब 72 सेकंड। लेकिन ध्यान से देखिए ऑप्शन में उसने जो आंसर दे रखा है वो किस में दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो ये देखिए, ये आंसर हमारा आएगा मीटर पर सेकंड में, इसको यहीं पर किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना होता है। तो हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से, सवाल बिल्कुल सिंपल है। देखिए 18 से 18 चौक 72, अब 4 से काटते हैं अगर आप, तो 4 3 12 00, और 5 से काटेंगे तो 5 6 30 0, इसका मतलब स्पीड आई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए सवाल बिल्कुल सिंपल था, लेकिन हाँ मैं समझ सकता हूँ कि जो बच्चे बिल्कुल नए तरीके से करने जानते हैं तो वो अक्सर इन छोटी छोटी चीजों में फंस जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसा ही एक बच्चों का डाउट था क्वेश्चन नंबर 8 में। लास्ट क्लास में मैंने बच्चों को अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था कि अगर किसी कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, और लग रहा था कि बच्चे इसका इंतजार कर रहे थे। नंबर देते ही सबने अपने डाउट्स लगातार पूछने स्टार्ट कर दिए, इसलिए बच्चों मैं इन सब डाउट्स को आपको जो है वीडियो में करवा रहा हूं, ठीक है, ताकि जिसने पूछ लिया है वो भी सीख जाए, जो नहीं पूछ पाए शर्म के मारे वो भी सीख जाए, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 3 सेकंड में। देखिए बच्चों, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, ठीक है, ये एक खंबे को 3 सेकंड में पार कर जाती है। कितने मीटर लंबी रेलगाड़ी, 100 कह रहा है। तो यही रेलगाड़ी 150 मीटर, मान लीजिए यही रेलगाड़ी है ना, यही रेलगाड़ी मतलब 100 मीटर लंबी, तो कह रहा है ये एक 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना टाइम लेगी पार करने में, ना मतलब यहाँ पे टाइम पूछा। तो बच्चे देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है कि नहीं है, तो सवाल देखिए बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे ट्रेन एक खंबे को पार कर रही है, तो आपको सिखाया था मैंने कि जब ट्रेन एक खंबे को पार करती है तो ट्रेन सिर्फ अपनी ही डिस्टेंस को तय करेगी। तो डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, यहां से निकल जाएगी बच्चों स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो देखिए बच्चों, डिस्टेंस कितना है 100, और टाइम कितना है 3 सेकंड, तो ये निकल गया स्पीड मीटर पर सेकंड में। ये बात सुनिए बच्चों, अब उसने पूछा है बताइए कि ये यही रेलगाड़ी एक 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लेगी। तो मुझे पता है कि रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को सेकंड में पार करेगी, इसलिए मैंने स्पीड को भी ऐसे ही मीटर पर सेकंड में छोड़ दिया।
समझ लो बच्चों, मैंने इसे क्यों छोड़ा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये जो रेलगाड़ी है ये इस प्लेटफॉर्म को सेकंड में पार कर लेगी, तो मेरे को चाल निकालनी है, तो मैं क्यों चाल में जाऊं। ठीक है बच्चों, तो बस सवाल देखिए, अब यहाँ पे मुझे स्पीड मिल चुकी है इस गाड़ी की, कितनी है 100/3 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो देखिए बच्चों, अब डिस्टेंस कितना है, तो जो ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दोनों के डिस्टेंस जुड़ जाती है, तो 100 और 150 कितना होगा बच्चों, 250। और स्पीड क्या है, 100/3, तो 100 और ये बटे का 3 चला जाएगा घूम के ऊपर। ठीक है, सवाल बिल्कुल सिंपल, कटने वाला को दिखा, इससे क्या 25 25 5 × 10 कितना आ गया, 15/2, और उसको आप डिवाइड करते हो तो 7.5 सेकेंड। इसका मतलब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को 7.5 सेकेंड में पार कर जाएगी। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन वही है कि बच्चे जो हैं जो बेसिक टाइप से करते हैं वो चीजों को समझते समझते अक्सर खो जाते हैं। जिस सवाल में जो चीज दी हो आप उसको कॉन्सेप्ट लगाइए, आंसर निकलेगा वो पक्का, जो उसका लॉजिक अगले टाइप में जरूर लगेगा। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9B, बच्चों के डाउट में बच्चों लाइन से डाउट पूछा है, 9 क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, ध्यान से देखिए। कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे है ना एक ट्रेन है, एक ट्रेन की जो रफ्तार है वो कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है इस रफ्तार से चल रही 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी, जो रेलगाड़ी है इसकी लंबाई कितनी है, 700 मीटर। तो उसने बोला ये एक सुरंग को, एक सुरंग है, क्या है बच्चों, एक सुरंग है, इसको कह रहा है कि 1 मिनट में पार कर लेती है, कितने में, 1 मिनट में पार कर लेती है, तो सुरंग की लंबाई क्या है। मैंने आपको उस दिन में समझाया था कि क्वेश्चन में जो ही पूछा हो पहले आप अपने हिसाब से समझो ना बच्चों, कि उसमें क्या क्या चीज पूछ सकता है। आप खुद देखिए यार, 72 किलोमीटर की स्पीड दे रखी है ना, इस ट्रेन की स्पीड दे रखी है, इस ट्रेन की लंबाई दे ही रखी है, कितनी देर में पार कर रही है वो भी दे रखा है। देखिए 1 मिनट है, तो 1 मिनट को हम 60 सेकंड भी लिख सकते हैं, मैंने आपको समझाया भी था, किसी भी मीटर में हो तो इसे सेकंड में चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बचे यहाँ पे भाई, सुरंग को पार कर रही है, तो बस इस सुरंग की लंबाई पूछिए, है ना। मेरी उन वीडियो को जाके बार बार रिवाइंड करके देखो बच्चों, तो आपको चीज समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या पूछा है भाई, सुरंग की डिस्टेंस, और यही तो चीज बची यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे निकालने की सुरंग की डिस्टेंस कितनी होगी। तो आपको भी पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, स्पीड इंटू टाइम, मतलब चाल गुणा समय। अब मुझे बताइए यहाँ पे स्पीड कितनी है, तो आप खुद भी कहोगे कि यहाँ पे स्पीड कितनी है बच्चों ट्रेन की, 72, और क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में है तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्पीड चेंज होगी मीटर पर सेकंड में। ठीक है, और टाइम, टाइम कितना था बच्चों, 60 सेकंड। तो सवाल खत्म, देखिए 18 चौक 72, अब देखो 4 5 20 और 20 छिंगे 120, समझ रहे बच्चों, देखो 4 5 20 और 20 छिंगे 120, 120 है और 0 का 0, मतलब जो डिस्टेंस आ गई ये कितनी आएगा बच्चों, 1200 मीटर, कितना आएगा बच्चों, 1200 मीटर। अब मुझे ये बताओ कि ये जो 1200 मीटर डिस्टेंस है ये किसकी है, ये मैंने उस दिन आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, क्या ये 1200 मीटर सिर्फ इसी का है, नहीं, मैंने आपको उस दिन समझाया था कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पर जाए किसी भी चीज को पार करेगी तो दोनों की डिस्टेंस जुड़ जाएगी, तो ये सुरंग है मतलब यहाँ पे, तो ये जो यहाँ पे डिस्टेंस आया है वो उस ट्रेन का और सुरंग, बच्चों मैं सुरंग के लिए एस वर्ड यूज कर रहा हूँ, वैसे सुरंग को टनल बोलते हैं, ठीक है, तो डबल टी होता है इसलिए, तो ये डिस्टेंस है वो ट्रेन और सुरंग दोनों का है। अब देखिए इस 1200 में से 700 मीटर लंबाई तो सिर्फ ट्रेन की है, तो बस हमने उस 700 को माइनस कर दिया, इसका मतलब सुरंग की लंबाई है 500 मीटर, तो समझे बच्चों, तो उस सुरंग की लंबाई है 500 मीटर। देखिए सारे वही तो कॉन्सेप्ट है, बस ये कि आप सवाल करना नहीं चाहते, ठीक है, मैथ से जी चुराते हैं, मैथ से बेटा जी चुराने से बात नहीं बनती बिल्कुल भी, समझ गया, अगर मैथ से आप हमेशा जी चुराओगे ना तो आपको मैथ की फुल फॉर्म मैंने पहले रखे बच्चों, क्या होती है बच्चों मैथ की फुल फॉर्म, जिनको मैथ से डर लगता है उनके लिए मैथ की फुल फॉर्म, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी, समझ गए, तो अगर मैथ से डरोगे तो मैथ की फुल फॉर्म आपके दिमाग में कुछ इस टाइप से बनेगी, लेकिन मैथ से दोस्ती करके देखोगे तो उसकी फुल फॉर्म में बताऊंगा, लेकिन पहले दोस्ती तो करो, समझ गए बच्चों। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं आपने मैथ की फुल फॉर्म, जिनको मैथ से डर लगता है, अभी आगे चल के बताऊंगा जिनको मैथ अच्छी लगती है उसके लिए उनकी फुल फॉर्म क्या है, लेकिन पहले हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 को क्या कह रहा है,
कह रहा है एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में, ये वही क्वेश्चन जो मैंने आपको सिखा रखा है पहले, एक रेलगाड़ी है ये एक खंबे को 15 सेकंड में पार कर लेती है, ठीक है। और फिर कह रहा है तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, मतलब यही रेलगाड़ी है, यही रेलगाड़ी है, ये एक 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने देर में बच्चों 25 सेकंड में पार कर लेती है। तो सीधी सी बात है, आपको दिख रहा है यहां भी टाइम दे रखा है, यहां भी टाइम दे रखा है, इसकी आपको क्या दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है। तो क्या बची, रेलगाड़ी की स्पीड भी नहीं रखी और रेलगाड़ी की लंबाई भी नहीं दे रखी, लेकिन यहां पूछा क्या है, यहां पूछा रेलगाड़ी की लंबाई, मतलब हमें सिर्फ रेलगाड़ी की जो बच्चों लंबाई निकालनी है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करते हैं, पहले चीजों को समझिए आराम से। देखिए आपको पता है कि यहाँ पे ना आपको स्पीड पता है और ना ही डिस्टेंस पता है, ऐसे अगर हम यहाँ पे देखें ना स्पीड पता है ना ही डिस्टेंस पता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ इसने बोला है कि ये ट्रेन इस व्यक्ति को मतलब खंबे को 15 सेकंड पार करती है, और यहाँ पे ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड पार करती है। तो अब स्पीड तो दे रखी है, तो देखिए एक और करने का तरीका हम किस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो आपको पता है ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की डिस्टेंस जुड़ेगी, तो ये पार कर रही है कितने 25 सेकंड में, समझे। और ट्रेन अगर किसी खंबे चाहे किसी भी खड़ी वस्तु को पार करती है तो ट्रेन सिर्फ अपनी डिस्टेंस तय करती है, कितने पार कर रही है बच्चों, ये पार कर रही है 15 सेकंड में। तो आप खुद भी कह रहे होंगे कि ट्रेन जब सिर्फ अपनी डिस्टेंस तय कर रही है तो 15 सेकंड ले रही है, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस ले रही तो 25 सेकंड ले रही है, और आपको पता है इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 100 मीटर। तो कहीं ना कहीं मैं सवाल में ये नहीं कह सकता कि दोनों जगह तो ट्रेन सेम है, टाइम में वेरिएशन किस हिसाब से आ रहा है, टाइम क्यों चेंज हो रहा है, इस प्लेटफॉर्म की वजह से। मतलब ये 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तय करने में ही तो ट्रेन को फालतू के 10 सेकंड लग रहे हैं, बताओ बच्ची बात समझ में ही नहीं, ये प्लेटफॉर्म के फालतू 100 मीटर तय करने में ही तो ट्रेन को फालतू के 10 सेकंड, यहां 15 सेकंड ले रही है, यहां ले रही है 25 सेकंड, तो जो फालतू के 10 सेकंड है वो इसी 100 मीटर को तय करने में तो ले रही है। तो देखिए यहां से मिल गया डिस्टेंस, यहां से मिल गया आपको टाइम, तो क्या यहां से स्पीड नहीं निकल सकती, बिल्कुल निकल सकती है। तो स्पीड का होना डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस कितना बच्चों, डिस्टेंस है 100 और टाइम है 10, इसको इसे काट दिया तो स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन हमारा यही से आधा सॉल्व हो गया कि हमें ट्रेन की स्पीड मिल गई बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड। अब उसने पूछी है ट्रेन की लंबाई क्या है, बस क्वेश्चन खत्म, उसने पूछा है ट्रेन की डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। अब आप बताइए जब ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो सिर्फ अपनी डिस्टेंस तय करती है, सबको पता है, तो स्पीड कितनी इसकी 10, टाइम कितनी ले रही है 15 सेकंड, तो 10 × 15 में करेंगे तो आपको पता है 150, और सब कुछ मीटर पर सेकंड में था इसलिए डिस्टेंस आ गया बच्चों मीटर में। तो ये डिस्टेंस किसके लिए बच्चों, सिर्फ ट्रेन की। तो ये बच्चों मैंने एक जो तरीका सिखाया आपको, ये आप जो मैंने पहले जो सवाल सिखाए थे उन पे भी अप्लाई करोगे तो वहां भी चीज लग जाएगी। आज मैंने इसके थ्रू आपको एक नया तरीका ये सिखाया, ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कीजिए और बार बार ध्यान से देखिए। तो दोस्तों इसके बाद जो 12वां क्वेश्चन है वो ही बच्चों का डाउट था, ठीक है ना, हम देखिए उसे भी नए तरीके से कर लेंगे। कह रहे एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में, वही क्वेश्चन देखिए, यही रेलगाड़ी है और यही प्लेटफॉर्म है, कितने लंबा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म है 162 मीटर लंबा और इसको पार कर रही है 18 सेकंड में, ठीक है। फिर कहता है यही रेलगाड़ी एक 120 लंबे, ठीक है, यही रेलगाड़ी है और ये 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, कितने बच्चों 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 15 सेकंड में। तो फिर से यहां वही पूछिए कि रेलगाड़ी की लंबाई, तो इसे जो हमने अभी पीछे सिखा था ना बच्चों उसी तरीके से इसको भी करते हैं। आप मुझे बताइए बच्चों कि यहां पे देखिए यहां पे वही ट्रेन है, अगर ये ट्रेन प्लेटफॉर्म 1 को पार कर रही है तो कितने पार कर रही है बच्चों 18 सेकंड में, यही ट्रेन जब प्लेटफॉर्म 2 को पार कर रही है तो कितने दे रही है 15 सेकंड। तो भाई ये टाइम का डिफरेंस क्यों आ रहा है, टाइम का डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है आपका 162 मीटर लंबा और एक प्लेटफॉर्म है आपका 120 मीटर लंबा, तो सीधी सी बात है छोटा प्लेटफॉर्म है इसलिए थोड़ा जल्दी पार कर ले रही है, बड़ा प्लेटफॉर्म इसलिए थोड़ा लेट पार कर रही है, क्योंकि इसका डिस्टेंस तो सेम है और स्पीड भी सेम है। तो देखिए बच्चों, तो जैसे फालतू टाइम लग रहा है कितना टाइम लग रहा है 3 सेकंड, देखिए हम इस तरीके से सवाल कर सकते हैं बिल्कुल रीजनिंग के तरीके से।
और 3 सेकंड फालतू क्यों लगा रहा है, क्योंकि से देखिए इनका डिफरेंस कितना है, 42 मीटर। कितना है बच्चों, 42 मीटर। मतलब ये 42 मीटर फालतू तय कर रही है, इसलिए से फालतू के 3 सेकंड लग रहे हैं। तो डिस्टेंस भी मिल गया फालतू और हमें टाइम भी मिल गया फालतू, तो हम फालतू फालतू काम कर रहे हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस भी मिल गया और टाइम मिल गया, तो यहाँ से निकल जाएगी बच्चों आपको स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना है बच्चों, 42, और टाइम कितना है 3। तो 3 से काट दे बच्चों आपने, तो कितना आ गया 14। मतलब ट्रेन की स्पीड आ गई 14 मीटर पर सेकेंड। कितना है बच्चों, तो ट्रेन की स्पीड आ गई 14 मीटर पर सेकेंड। अब आप कहोगे कि सर यहां तो ट्रेन की डिस्टेंस पूछी ना, हम स्पीड को निकाल लें। अरे मेरे बच्चों, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम तो आपको मिला हुआ है, लेकिन स्पीड तो निकालनी पड़ेगी बच्चों, समझे समझे। तो बस आप चाहे इसमें रख के निकालो आंसर, चाहे इसमें रख के निकालो आंसर, कैसे भी निकाल सकता है। ठीक है ना, ठीक है। तो देखते हैं स्पीड, चलिए मान लें हम इस तरीके से निकालते हैं। तो स्पीड कितनी है, 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम कितना लगा, तो टाइम आपका लगा बेटा 18 सेकेंड। तो इसका देखिए, अगर या तो 18 की मल्टीप्लाई 14 में कर लो, या 14 की मल्टीप्लाई 18 में कर लो, कैसे भी कर लो आंसर तो आना ही है। 18 मान 18 चौक 72 का 2, हासिल 7, 18 कम 18 और 7 25। इसका मतलब जो डिस्टेंस आ गई टोटल वो कितने आ गए बच्चों, 252 मीटर। अभी किसकी डिस्टेंस है, तो अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो ट्रेन है वो इस प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, मतलब डिस्टेंस दोनों की जुड़ के आई है। मतलब ये जो डिस्टेंस है वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की है, समझे। तो इस 252 में से हमने इस 162 को माइनस कर दिया, तो कितना बचा, 90 मीटर। इसका मतलब ट्रेन की लंबाई बच्चों 90 मीटर। आप इस कंडीशन में रख के भी निकालोगे तब भी आंसर यही आएगा बच्चों, समझ गया। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सवाल को सिंपल तरीके समझिए। देखिए मैं आप एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें निकाल के और वहां से कैसे क्वेश्चन कर रहा हूं, उस चीज को समझने की कोशिश करिए और ध्यान से नोट डाउन कीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जो कि बच्चों का डाउट है। कह रहा है एक व्यक्ति 1 किलोमीटर लंबे पुल से गुजरती हुई रेलगाड़ी को देखता है। एक व्यक्ति है जो कि 1 किलोमीटर लंबे पुल से, देखिए 1 किलोमीटर को मैं 1000 मीटर भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। तो एक व्यक्ति क्या दे रहा है कि 1 किलोमीटर लंबे पुल से एक रेलगाड़ी गुजर रही है ना, एक रेलगाड़ी जो है पुल से गुजर रही है। उसने बोलते हैं गाड़ी की लंबाई पुल की लंबाई से आधी है। बच्चे यहां फंस गए थे कि गाड़ी की लंबाई पुल की लंबाई से आधी है। अरे बच्चों आधी का मतलब क्या है, अगर ये 1000 मीटर है तो ये कितना होगा, 500 मीटर। बस क्वेश्चन तो यही खत्म। कह रहा लंबाई आधी है और रेलगाड़ी पुल को 2 मीटर पार करती है, किंदर में 2 मिनट पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल। अब भाई क्या पूछा, देखो डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो चाल ही पूछेगा, बस क्वेश्चन आपका खत्म। भाई 2 मिनट लिखा है, इसको मैंने सेकंड में चेंज कर दिया, तो हो गया 120 सेकंड। और स्पीड पूछी है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए हम इसे 12 बोलते हैं तभी हमें चीज रिवाइज होती है। तो डिस्टेंस कितना है, दोनों की डिस्टेंस जुड़ जाएगी, तो कितना है बच्चों, 1500, और बटे में ये कितना है, 120। लेकिन ये स्पीड निकलेगी मीटर पर सेकंड में। लेकिन आप क्वेश्चन लेते हो तो क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन में स्पीड कितनी रखी बच्चों, किलोमीटर प्रति घंटे में, देख लो। तो बस इसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए 18/5 से करते हैं। अब देखिए 0 से 0, 5 से काटे, देखा 5 3 15 0 0, अब 6 से काटे, 6 2 12, 6 5 30, और 2 से काटा तो 2 9 18, 9 5 45, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आपके लिए देखिए बच्चों मैं सिंपल तरीके से काटते हुए आपको समझा भी रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे अपनी पकड़ अच्छी कीजिए कैलकुलेशन में, समझ गए दोस्तों। तो इसको नोट डाउन कीजिए। अगला क्वेश्चन बच्चों 15वां, आपकी स्क्रीन पर इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको टाइप में भी सिखाया था बच्चों, एग्जाम्पल में भी, ठीक है ना। लेकिन चलिए कोई नहीं, नहीं समझ आया दोबारा से देखिए। कह रहे 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी है बच्चों, कितने मीटर लंबी है, 150 मीटर लंबी है। कह रहा है ये अपने से अपोजिट साइड से, विपरीत दिशा से, इसके अपोजिट साइड से एक व्यक्ति आ रहा है, उसकी स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है उसको 6 सेकंड में पार कर लेती है, किंदर बच्चों 6 सेकंड में पार कर लेती है। तो क्वेश्चन को छोड़ो, देखो ट्रेन की डिस्टेंस दे रखी है, टाइम दे रखा है, और व्यक्ति की स्पीड, क्या चीज नहीं दे रखी, बस एक चीज, ट्रेन की स्पीड। और क्वेश्चन में देखिए तो क्वेश्चन में भी ट्रेन की स्पीड ही निकाल लिए। बस आप क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लीजिए ध्यान से बच्चों, तो फिर चीज ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो स्पीड निकाल लिए, तो स्पीड का फॉर्मूला फिर से भाई डिस्टेंस अपॉन में टाइम, बिल्कुल सिंपल तो है, देखिए 150 बटे में 6, लेकिन क्योंकि स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में रखी है तो उसमें चेंज कर लिया 18 बटे
पांच से, छह से काटा, छह तिया 18, पांच से काटा, पांच तिया 15, 0 का 0 तो 30 तिया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये आ गए बच्चों स्पीड, लेकिन फिर से वही कॉन्सेप्ट कि स्पीड देखिए ये दोनों चीज अपोजिट साइड से आ रही हैं, तो चाल इनकी जुड़ के, तो यहाँ पे जो स्पीड होगी ये इस ट्रेन की और इस व्यक्ति की मतलब पर्सन की दोनों की जुड़ के आई होगी, तो दोनों की जुड़ के 90 है क्योंकि अपोजिट साइड से आ रहे थे इसीलिए, तो उस 90 में से 6 तो इस व्यक्ति की होगी बेटा, तो इसमें से 6 माइनस कर दिया मतलब ट्रेन की स्पीड हो गई 84 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों बातों को समझिए ध्यान से कि जब दो चीज अपोजिट साइड से आती है तो उनकी चालें जुड़ के आएंगी, एक साथ चलेंगे तो चालें घट के आएंगी, ठीक है, और ऐसे डिस्टेंस का हिसाब तो मैंने आपको उसके हिसाब से थोड़ा सा अलग होता है, तो इसको ध्यान से बच्चों नोट डाउन कीजिए। इसके बाद जो बच्चों का डाउट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, 16, 17 बिल्कुल सिंपल जो भी सिखाए टाइप उसी टाइप से 18 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है एक रेलगाड़ी, है ना, 120 किलोमीटर जो रेलगाड़ी चल रही है, ठीक है, आप तो रेलगाड़ी में सीखे होंगे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रही है। कह रहा है ये एक रेलगाड़ी बी अपनी दिशा में जा रही रेलगाड़ी सी, देखिए रेलगाड़ी का नाम भी दे दिया उसमें बी, और कह रहा है इसी की दिशा में जा रही रेलगाड़ी सी, कह रहा है इस सी को 2 मिनट में, ना भाई कितने मिनट में, 2 मिनट पार कर लेती है, तो उसने पूछा बताइए बी और सी की लंबाई क्रमशः 100 मीटर और 200 मीटर है। देखिए बच्चों इसकी लंबाई है 100 मीटर और इसकी लंबाई है 200 मीटर, लंबाई भी दे दी, टाइम भी दे दिया, एक की स्पीड दे दी, क्या पूछेगा भाई, दूसरे की तो स्पीड पूछेगा, तो क्वेश्चन पूछे उससे पहले तुम देखो कि उसको क्या पूछ सकता है, जिस दिन ये निकालना सीख गया सवाल अपने आप निकालना सीख जाओगे, समझ गए बच्चों, तो बस क्या पूछा है वही रेलगाड़ी सी की चाल क्या है, तो देखिए बिल्कुल सिंपल ही है, सवालों को आप बेटा ऐसा डायग्राम बनाना सीख जाइए, और देखिए मैं ये नहीं कहता कि पेपर में हम इसी तरीके से बनाए करेंगे, लेकिन ये है कि अगर आप अभी से ये डायग्राम बनाओगे तो आपके दिमाग में बेसिक कॉन्सेप्ट में बिल्कुल घर घर जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब प्रैक्टिस करते करते आप डायरेक्ट आंसर पर पहुंचोगे, उस टाइम आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन स्टार्टिंग टाइम के लिए जो बच्चे पेपर में 30 सेकंड में 15 सेकंड में 20 सेकंड में सवाल करते ना बेटा, उन्होंने घर पे एक एक सवाल में डेढ़ डेढ़ एक एक दो दो घंटे एक एक टाइप के सवाल में दिए हैं, तभी जाके बेटा पेपर में वो उस सवालों को सेकंडों में कर पा रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा दिमाग में रखना, समझ गए, कोई पहले दिन से नहीं करता 20 सेकंड में, समय के साथ साथ प्रैक्टिस के साथ साथ ही चीजें होती है, समझ गए। तो यहां पे हमें क्या निकालनी है बच्चों, स्पीड फिर से वही कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, बाय डिस्टेंस दोनों की जुड़ जाएगी 100 मीटर इसकी और 200 मीटर तो कितना होगा टोटल 300 मीटर, टाइम 2 मिनट, अब देखिए 2 मिनट को हम 120 सेकंड में तो कह सकते हैं, तो बस टाइम होगी 120। अब ये किसमें आ गया बच्चों, ये आ गया आपका मीटर पर सेकंड में, लेकिन स्पीड तो चाहिए किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 18/5 से इससे ये काट देते हैं, अगर देखिए 5 से काटते हैं तो 5 × 30 और 6 से काटते हैं 6 × 2 = 12, 2 से काट दिया तो 2 × 9 = 18, समझ गए, तो ये स्पीड आई 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बच्चे इसके बाद हाथ पैर नहीं हिला पा रहे, बच्चे को ये विश्वास नहीं हो रहा कि इसकी स्पीड 9 कैसे आ सकती है, अरे क्यों नहीं आ सकती, अरे अभी क्वेश्चन का आंसर थोड़ा निकला है बच्चों, इस चीज को यही तो समझिए बेटा, ये चीज आप समझ नहीं पा रहे। अब ये स्पीड आई बच्चों 9 किलोमीटर प्रति घंटा, अब बच्चे कह रहे कि सर इसकी स्पीड 9 कैसे आ गई, मतलब इसकी स्पीड तो 120 और इसकी स्पीड 9, अरे ये इसकी स्पीड नहीं है बच्चों, ये ध्यान से देखिए ना, ये दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, तो हमने आपको सिखाया था कि जब दो ट्रेन एक दिशा में चलती हैं तो उनकी चालें घट जाती हैं, मतलब ये जो चाल आई है ये बी और सी की चाल घट के आया है 9, समझ गया, इसका मतलब है कि बी और सी की चाल में 9 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है, सीधी सी बात है, तो इसकी अगर 120 थी मैंने आपको पहले भी सिखाया था, तो इसकी या तो 9 कम होगी 111 किलोमीटर प्रति घंटा, या इसकी 9 ज्यादा होगी 129 किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो होगी बच्चों, या तो ये होगी या तो ये होगी। अब ये कैसे पता चले कि 111 129 है, तो आप देखिए क्वेश्चन में क्या रखा है, आप ध्यान से पढ़िए, उसने क्वेश्चन में क्या रखा है कि रेलगाड़ी बी सी को पार कर जाती है, ये जो बी है ये सी को पार कर रही है, तो इसका मतलब इसकी ज्यादा होगी, अब इसकी ज्यादा होगी तो इसकी कम होगी, सीधी सी बात है, तो कम कौन सी है 111, क्योंकि अगर इसकी स्पीड तेज होगी तो क्या ये इसको पार कर जाएगी, कभी नहीं कर पाएगी, तो इसका मतलब सी की स्पीड आ गई बेटा कितनी 111 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समझ गए बातों को, तो ध्यान से नोट डाउन कीजिए। अगला क्वेश्चन बच्चों जो बच्चों के डाउट में है वो है क्वेश्चन नंबर 19,
बस हल्की सी बात को भी बच्चे फंस गए क्वेश्चन में। क्या कह रहे हैं, दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 65 और 45 की स्पीड से। देखिए दो रेलगाड़ियां ये एक ही दिशा में चल रही है, ये चल रही है 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और ये चल रही है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। कह रहा है तेज गति वाली गाड़ी, जो तेज गति वाली गाड़ी है ये इस धीमी गति वाली गाड़ी को 18 सेकंड में, कितने में बच्चों, 18 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है ना। और 18 सेकंड में पार, देखिए क्वेश्चन के उस लाइन को दोबारा ध्यान से पढ़िए, क्या बोला, तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को, बच्चे यहां पे गलती कर रहे हैं, तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को नहीं बच्चों, धीमी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को। बच्चे अक्सर ये कहते हैं कि जल्दबाजी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो मैंने इसलिए पढ़ के दिखाया कि बच्चों से क्वेश्चन नहीं निकल रहा, क्योंकि वो ये पॉइंट मिस कर देते हैं, वो फट से पढ़ लेते हैं कि तेज गति वाली गाड़ी धीमी गति वाली गाड़ी को, हम अपने मन से पढ़ लेते हैं, ऑटो करेक्ट कर लेते हैं खुद ही ना, ऐसा नहीं होता। इसमें बैठे व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। तो उसने पूछा है तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताओ, तो क्वेश्चन होने के बच्चों, मैंने आपको सिखाया भी था कि जब रेलगाड़ी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करेगी तो ट्रेन सिर्फ अपनी डिस्टेंस तय करेगी, इसकी डिस्टेंस फिर हम काउंट नहीं करते, और यहाँ डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। अब देखिए दोनों एक दिशा में चल रहे हैं तो चालें घट जाएंगी, तो 65 में से 45 गया तो कितना आया बेटा 20, है ना, और क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में है तो मीटर प्रति सेकंड 5/18 से, इंटू में टाइम, टाइम कितना बच्चों 18, 18 से 18 कट गया, 20 पंजे आ गया 100, 100 क्या 100 मीटर। अच्छा अभी किसका डिस्टेंस होगा, तो बच्चों को डाउट हो रहा है कि ये डिस्टेंस इन दोनों का मिला के है, नहीं बच्चों, क्योंकि इस ट्रेन में बैठे वाले व्यक्ति को पार किया है, और जैसी व्यक्ति की बात आएगी इसका मतलब इस ट्रेन ने सिर्फ अपनी डिस्टेंस तय करी है, तो जो 100 मीटर डिस्टेंस है वो किसकी है, तेज गति वाली रेलगाड़ी की। तो आंसर यहाँ पर है बच्चों 100 मीटर, और क्यों है मैंने वो भी आपको समझा दिया, ठीक है, तो ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20, क्या कह रहा है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने सामने से 54 किलोमीटर प्रति घंटे की आ रही रेलगाड़ी जो है जो उससे आधी लंबाई की है, कितनी लंबाई की है आधी, मतलब ये एक ट्रेन जा रही है, ठीक है ना, और इसके सामने से एक ट्रेन आ रही है, इसकी स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। राइटिंग में जाओ बच्चों, क्वेश्चन को समझो, और पिछली एक आध वीडियो में मैंने गलती से डिजिट कुछ और नोट डाउन कर दी, ठीक है बेटा, तो आप उनमें तरीके को सीखिए, आप डिजिट के पीछे मत भागिए, ठीक है बेटा, वो गलती से हो गई है, हम भी इंसान है, गलती हो जाती है, तो आप सवालों के तरीके को देखिए, मैं तरीका क्या सिखा रहा हूँ, क्योंकि पेपर तक हर सवाल चेंज होता रहेगा, डिजिट चेंज होती है, तरीका सीखिए इसलिए, ठीक है बच्चों। तो कह रहा है एक स्पीड है 36 और एक की स्पीड है 54, तो कह रहा है 36 की स्पीड से आ रही रेलगाड़ी अपने सामने 54 की स्पीड से आ रही रेलगाड़ी को जो अपने से आधी लंबाई की, अपने से आधी जो इसकी लंबाई है इससे आधी लंबाई को जो है 12 सेकंड में पार कर जाती है, कितने बच्चों 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो ये दो ट्रेन है आमने सामने से, एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर रही है, और उसने क्वेश्चन में खुद बोल दिया अपने से आधी लंबाई को, अगर मान ले 100 है तो ये 50 हो जाएगी, ये 200 है तो ये 100 हो जाएगी, इससे आधी लंबाई गाड़ी है। तो उसने क्वेश्चन में कहा है तो बताइए ये रेलगाड़ी, यही रेलगाड़ी जो ये 36 की स्पीड वाली रेलगाड़ी है, ठीक है, यही रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को, ठीक है, ये रेलगाड़ी जो है एक प्लेटफॉर्म को 1.5 मिनट में, कितने मिनट बच्चों 1.5 मिनट में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चों, इसने पूछी यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए या प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, सवाल को समझिए और क्वेश्चन को खत्म कीजिए। यहाँ पे स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। अब यहाँ पे चीज को समझिए, स्पीड क्योंकि अपोजिट साइड से आ जाए चालें जुड़ जाएंगी तो 90, और क्योंकि मीटर पर सेकंड में 5/18 से, और टाइम हो गया गलती से 12, 18 से काट दिए 18 पंजे 90, देखिए 55, ठीक है, यहाँ से कर लीजिए 12 पंजे 60 और 60 पंजे 300, मतलब लंबाई कितनी आ गई 300 मीटर। अब ये लंबाई आई 300 मीटर किस किस की है, दोनों ट्रेनों की मिला के ना बेटा, ट्रेन वन की और ट्रेन टू की। अब मुझे क्या पस कैसे पता चले कि ट्रेन वन की कौन सी है और ट्रेन टू की कौन सी है, तो आप क्वेश्चन में पढ़िए, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अपने से आधी लंबाई की, अपने से आधी लंबाई की। अगर मैं यहाँ पे ट्रेन वन और ट्रेन टू का रेशियो करूँ तो उसने कहा है कि इसकी लंबाई इससे आधी है, मतलब अगर ये एक है तो ये दो है, ये तो बातचीत है बच्चों,
तो बस यहाँ से भी निकल जाएगा कि टोटल दोनों ट्रेन की लंबाई कितनी है, 300, और हमारे दोनों की मिला कितने बेटा, तीन, तीन से काटा कितना का, 100 आ गया बेटा। 100 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो आ गया 200 मीटर, और 100 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा, 100 मीटर। हालांकि ये चीज़ हम मूझवानी खुद भी सोल्व करते हैं कि अगर दोनों ट्रेन की मिला के 300 है और इसके इसकी लंबाई इससे आधी है तो ये 100 होगा और ये होगा 200। सिंपल है रीजनिंग के तरीके से, लेकिन जिनको समझ में नहीं आ रहा उनको मैंने इस तरीके से समझा दिया। तो बस इस ट्रेन की हमारी डिस्टेंस निकल गई, कितनी निकली बेटा, 200 मीटर। तो उसने पूछा ये 200 मीटर की गाड़ी 36 की स्पीड से 1.5 मिनट में इस प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है तो इस प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस क्या होगी, क्या पूछिए इस प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको ही पता बच्चों, स्पीड इंटू टाइम। अब जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है फिर तो सिर्फ अपनी स्पीड से लेंगे बच्चों, तो क्वेश्चन खत्म, 36 × 5/18 और टाइम कितना रहा है 1.5 मिनट। अब देखिए इस 1.5 मिनट को 1 मिनट में 60 सेकेंड और 1.5 मिनट बताइए बच्चों कितने होंगे, 90 सेकेंड, 90 सेकेंड होंगे ना होंगे, तो बस इंटू हो गया 90, 18 से काट लिए, 18 × 36। अब देखिए 5 × 10 और 10 × 90 में करिए कितना गया, 900 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस आया है बच्चों कितना है, 900 मीटर। अब मुझे पता है कि ये डिस्टेंस इस ट्रेन का और इस प्लेटफॉर्म का मिला गया है, जिसमें से ट्रेन का है 200 मीटर तो 200 मैंने माइनस कर दिया तो कितना बचा, 700 मीटर। मतलब जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है बच्चों वो कितनी है, 700 मीटर। तो देखो बच्चों सवाल में कुछ नया नहीं है, लेकिन सवाल में थोड़ा सा लेंथीनेस हो जाती है तो आप सवाल को समझ नहीं पाते हो, इसको बच्चों ध्यान से नोट डाउन कीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ये तो मुझे पता था कि ये डाउट आएगा क्योंकि उसमें बच्चों को दिक्कत रहती है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी अपनी दिशा में चल रहे 2 किलोमीटर प्रति घंटे और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे 2 व्यक्तियों को 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है। मैंने आपको सिखाया भी था, देखिए सेम ही गाड़ी है, मैं जानकारी वाला बनाता हूँ आपके लिए ताकि आप चीज़ को बिल्कुल डिटेल में समझ सको। और ये 2 व्यक्ति है, ठीक है बच्चों। एक की स्पीड क्या देखो बच्चों, एक की स्पीड है 2 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ट्रेन तो वही है, मैंने जानकारी 2 कंडीशन आई ताकि समझ सको। कह रहा है एक को पार करे 9 सेकंड में, इसको पार करती है 9 सेकंड में और इसको पार करती है 10 सेकंड में। तो उसने क्या पूछा बच्चों, ट्रेन की लंबाई क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान समझिए, क्वेश्चन मैंने आपको पहले समझाया था कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो लंबाई डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड तो पता ही नहीं है, टाइम तो पता है यहाँ 9 सेकंड और यहाँ 10 सेकंड, लेकिन स्पीड तो पता ही नहीं है। क्यों, ट्रेन की स्पीड निकालना जरूरी है बेटा। तो बस क्वेश्चन देखिए बेटा यहाँ से हो गया। अब मैंने आपको पहले बताया था कि इन दोनों कंडीशन में क्या चीज़ सेम है, बताइए बच्चों, कुछ सेम है, कुछ सेम है बच्चों, कुछ भी चीज़ सेम नहीं है। लेकिन उसने क्या पूछा है कि डिस्टेंस बताओ, है ना, कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई तो पूछिए। तो आपको ये पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है बच्चों, स्पीड इंटू टाइम। और आपको पता है कि दोनों ही कंडीशन में ट्रेन सिर्फ अपनी डिस्टेंस तय करेगी तो डिस्टेंस ही सेम होगा। तो हमने आपको उसमें सिखाया था कि हम यही तो बोलते हैं कि डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कंडीशन बराबर डिस्टेंस ऑफ सेकेंड कंडीशन, यही तो हम सीखते हैं। तो बस अब फर्स्ट कंडीशन की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला सभी को पता है, स्पीड इंटू टाइम। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको ट्रेन की स्पीड नहीं पता तो हमने ट्रेन की स्पीड को टी मान लिया, क्या मान लिया, टी मान लिया। तो फर्स्ट कंडीशन में स्पीड देखिए तो कैसे निकलेगी, टी माइनस टू ही तो होगी, क्योंकि ये रही ट्रेन की स्पीड और ये रही व्यक्ति, सेम दिशा में चल रहे हैं तो चालें घटेंगी, और क्योंकि मीटर पर सेकंड में था तो किलोमीटर प्रति घंटे में 5/18, और यहाँ पे टाइम कितना लगा था, तो टाइम लगा था 9 सेकंड। समझ में आई बच्चों बात, स्पीड इंटू टाइम, ये निकल गया स्पीड और ये निकल गया टाइम। अब सेकंड कंडीशन में डिस्टेंस की फॉर्मूला वही, स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पे स्पीड कैसे निकली, यहाँ पे कैसे निकलेगा, टी माइनस चार, माइनस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों सेम दिशा में चल रहे हैं, 5/18 से, और यहाँ पे टाइम मेरा 10 सेकंड। ये हमने सिखाया था बच्चों आपको उस दिन बिल्कुल बेसिक समझा के, इसलिए बोल रहा हूँ कि बच्चों अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके पहले उस वीडियो को और अच्छे तरीके से देखिए, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, ठीक है बच्चों। तो आप आराम से देखिए और समझिए। तो बस क्वेश्चन यहाँ से खत्म, देखिए इससे ये पूरा चला गया। आप मल्टीप्लाई कर लो पहले अंदर, 9 की मल्टीप्लाई, तो 9 की मल्टी में तो 9t - 9 × 18 बराबर 10 की मल्टी में तो 10t - 40। टी टी को कर लिया एक साइड, संख्या संख्या कर लिया दूसरी साइड। तो देखिए बच्चों इसको उठा के इधर ले गए तो 10t में से 9t गया, क्या उसके सिर्फ 1t, और समझो बच्चों
माइनस के 40 उठा गए, इधर लाए तो प्लस के 40, तो 40 में से 18 गया तो कितना उसके 22। तो ये हमारी थी टी, और हमने टी क्या बताया, ट्रेन की स्पीड। तो ट्रेन की स्पीड आ गई बच्चों कितनी, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मतलब ट्रेन की स्पीड कितना है बच्चों, ये आ गई आपकी 22 किलोमीटर प्रति घंटा, चाहे यहाँ मान लो चाहे यहाँ मान लो। लेकिन स्पीड तो पूछी नहीं, क्या पूछा, ट्रेन का डिस्टेंस। क्या पूछा बच्चों, ट्रेन का डिस्टेंस। तो हम उससे भी नहीं घबराते बच्चों, डिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते हो, स्पीड इंटू टाइम। अब किसी भी कंडीशन में रख के निकाल दो आंसर, वहां से आ जाएगा। पहले यहां से निकालता, अब चलो यहां से निकालते हैं। तो आपको पता है कि डिस्टेंस निकालना है, स्पीड इंटू टाइम, तो दोनों क्योंकि सेम दिशा में चल रहे हैं तो चले घट जाएंगी। तो 22 में 4 घटाया तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे में था, इसलिए मीटर प्रति सेकंड में 5/18 इंटू में टाइम, टाइम ले रहा है 10 सेकंड, तो 18 से 18 चला गया, तो 5 × 50। इसका मतलब ट्रेन की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 50 मीटर। समझो बच्चों, तो इसका मतलब जो ट्रेन की जो डिस्टेंस आई है वो कितनी आई है आपके यहाँ पे, 50 मीटर। तो इसको जो ध्यान से देखिए और ध्यान से नोट डाउन कीजिए, अच्छा सवाल थे। हाँ भाई, अब है क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन को आज सीख लिया तो आपका आज की क्लास में आना सफल हो गया। मैं कहता हूँ ना बच्चों, एक नया क्वेश्चन सीखना चाहिए, तो आज ये नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है लेकिन बच्चों को सर कंफ्यूज करता है। क्वेश्चन 25 आपके सामने, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया, ठीक है बेटा, एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है ना समझ लो भाई व्यक्ति है। कह रहा है इस व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 4 सेकंड ने पार कर लिया। एक रेलगाड़ी थी, इस रेलगाड़ी से 4 सेकंड ने पार कर लिया, और इस गाड़ी के विपरीत दिशा से, अपोजिट साइड से आने वाली गाड़ी ने इस व्यक्ति को 5 सेकंड है। भाई एक गाड़ी चली गई इसे 4 सेकंड में पार करके, फिर इसने क्या फील किया कि इसकी जो अपोजिट साइड से आने वाली थी, इसने इस व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर लिया। कुछ भी समझ सकते हो। तो ये पूछा बताइए, यदि दोनों गाड़ियों की लंबाइयां बराबर है, दोनों गाड़ियों की जो बेटर क्या है, डिस्टेंस बराबर है, तो एक दूसरे को पार करने में ये गाड़ियां कितना टाइम लेंगी, एक दूसरे को पार करने में ये गाड़ियां कितना टाइम लेंगी। मतलब ये पूछा है कि ये दोनों गाड़ी जो है एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लेंगी। यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस करी कि दोनों गाड़ियों की जो है लंबाई बराबर है, सेम डिस्टेंस है, बस यहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, वरना बच्चों को इस क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे ही उसने बोला कि दोनों गाड़ियों की लंबाई बराबर है, एक ने से 4 सेकंड में पार किया और एक ने से 5 सेकंड में, और दोनों आपस में एक दूसरे को कितने टाइम में पार करेंगी, तो मैं कुछ भी नहीं करना है इसको, बिल्कुल सिंपल करने की ट्रिक क्या होती है, हार्मोनिक मीन। और हार्मोनिक मीन मैंने आपको सिखाया था भाई, औसत चाल निकालने का फॉर्मूला सिखाया था, क्या होता है 2xy/x+y। बस ये कंडीशन है, यहाँ पहली वाली को हम x मान लेंगे पहले वाले टाइम को, और दूसरे वाले टाइम को मान लेंगे y। समझ गए, जो तरीका हम वहां लगाते थे औसत चाल निकालने में, वही तरीका हम यहां पर लगाएंगे इस सवाल में टाइम निकालने में। बस सवाल सिंपल खत्म, टाटा बाय बाय। तो 2x की वैल्यू मतलब भाई पहले टाइम 4 सेकंड और दूसरा टाइम 5 सेकंड बटे में x+y, तो 5 और 4 9, तो आपको दिख रहा है 2 चौक 8, 8 5 40, तो 40/9 सेकंड। इसको और इलेबोरेट करते ढंग से, तो देखिए आपको मैंने करना सिखा रखा है, 9 चौक 36, 4 पकड़ गया पूरा शिष्य ने 4, तो 9 4 सही 4/9 सेकंड, मतलब इतनी देर में ये दोनों गाड़ियां एक दूसरे को पार कर लेंगी। तो समझो बच्चों क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और बेटर ध्यान से समझिए। तो दोस्तों आज हमने ये आर एस अग्रवाल के 19B एक्सरसाइज के 25 तक के क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए, जो बच्चों के डाउट थे। इससे जो आगे आने वाले 16-17 क्वेश्चन ना, वही इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, और बच्चों के सबसे ज्यादा डाउट इसी क्वेश्चन में ही आते हैं। तो आप उस अगली क्लास का वेट कीजिए, उससे पहले आप इस क्लास के सारे डाउट के क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, वो क्लास भी आपके सामने बहुत जल्दी आएगी। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, और अगर आपको कोई डाउट है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाके अपना डाउट भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।